आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का और एक सितारा का देहांत हो गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का ये लॉस कोई भी नहीं भर सकता है। वाजिद खान बॉलीवुड इंडस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर थे। उनके बिना म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ अधूरा सा लगने लगा है। तो चलिए आज हम जानते हैं इस फेमस म्यूजिशियन का जिंदगी के कुछ सफर और उनकी कहीं अनकहीं कुछ बातें। वाजिद खान बायोग्राफी। जुलाई 10, 1978 में मुंबई के महाराष्ट्र शहर में इस गुनी म्यूजिशियन का जन्म हुआ था। वाजिद खान का हाइट है 5 फीट 7 इंच और उनकी वेट है 59 kg। उनकी बालों का और आंखों का रंग है ब्लैक। वाजिद खान फैमिली। पॉपुलर तबला प्लेयर शराफत अली खान वाजिद का पिता है। वाजिद का भाई साजिद भी उनकी तरह ही फेमस एक इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर है। वाजिद खान कैरियर। वाजिद खान का डेब्यू एज अ म्यूजिक डायरेक्टर हुआ था बॉलीवुड में। प्यार किया तो डरना क्या मूवी के गाने से ही उनकी कैरियर चल पड़ा था। 1999 में वाजिद खान लेमलाइट पर आने के लिए सनू निगम के साथ दीवाना एल्बम रिलीज किया था। उस एल्बम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था और बन गया था मोस्ट बिगेस्ट सेलिंग म्यूजिक एल्बम। वाजिद को फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर इंटरनेशनल फिल्म का लाइफ टाइम मेंबरशिप भी मिला था। उनकी कैरियर को और भी ज्यादा एवरग्रीन करने के लिए सलमान खान का बहुत ही बड़ा योगदान है। करीबी दोस्त होने की वजह से सलमान खान के मोस्ट ऑफ द फिल्म के म्यूजिक वाजिद ही देते थे। वाजिद खान अफेयर्स। 4 साल डेट करने के बाद 2003 में यस्मीन खान के साथ वाजिद ने शादी कर लिया था। इस लवली कपल का एक बेटा और एक बेटी भी है। वाजिद खान कार कलेक्शन। वाजिद एक ऑडी A3 कार का ओनर है जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए। उनके पास एक टोयोटा फॉर्च्यून है जिसका प्राइस है 28 लाख रुपए। वाजिद खान मैन्युफैक्चरर्स। पर सॉन्ग के लिए वाजिद खान को 15 से 20 लाख और पर एल्बम के लिए 1 से 2 करोड़ तक मिलता था। वाजिद खान का नेटवर्थ है ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए। That's so far today, guys. What do you think about this video? Let us know in the comment section. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon to get notification our each and every brand new videos. Thank you.